हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे मालूम है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, तब फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल की क्लास तो बेसिक क्लास थी, कल तो स्टार्टिंग था। आज हम लोग टेक्नामेट्रिक आइडेंटिटी सर्व समीकाएँ देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आज मैं बोर्ड एग्जाम का तो क्वेश्चन लेकर के आया ही हूँ, उसके साथ साथ पॉलिटेक्निक और यूपीएससी के भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग यहीं से तैयारी कीजिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करना, जिस भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, यही बेस है। अगर बेस आपका मजबूत रहेगा तभी आप लोग कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे। और आजकल का टाइम आप लोग जान रहे हैं कितने कंपटीशन का है, कितना ज़्यादा कंपटीशन, और कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। जीवन में अगर सफल होना है तो संघर्ष करना पड़ता है। आप लोग सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल सोचिए कि मान लीजिए कहीं टूर्नामेंट है, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो अगर आप लोग का पहले से संघर्ष आपने नहीं किया है, पहले से अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो क्या आप क्रिकेट जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। अब सिंपल सा सोचिए, आप सब लोग खेलते होंगे फ्री फायर वीडियो गेम, आप अपनी मोबाइल में खेलते होगे फ्री फायर में, या कोई भी गेम खेलते हैं आप लोग अगर, तो उसमें देखिए कि एक लेवल क्रॉस करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। बिना संघर्ष के, बिना प्रयास के, बिना ट्रायल के आप एक लेवल गेम भी नहीं क्रॉस कर पाते हैं। और जब एक लेवल क्रॉस नहीं होता है, गेम का लेवल नहीं क्रॉस होता है, तो इस जीवन में सफलता कैसे मिल सकती है? जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। और मेरा ये इतना यकीन है कि जितने फोकस के साथ आप गेम खेलते हैं, जितने कंसंट्रेशन के साथ आप गेम खेलते हैं, जितना टाइम आप गेम खेलने में देते हैं, अगर वो पूरा का पूरा टाइम आप पढ़ाई में लगाएंगे तो आपसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा और आप जीवन में सफल हो जाएंगे, हर कंपटीशन आपका निकल जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। तो इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिए तभी सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस कल की तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेक्नामेट्रिक आइडेंटिटीज। टेक्नामेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, टेक्नामेट्रिक सर्वसमिकाएँ कौन कौन सी होती हैं, टेक्नामेट्रिक के फार्मूले, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जो कल लास्ट में भी मैंने बताया था एक क्वेश्चन, और उसमें कहा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, इसको आप लोग रट लीजिए, अभी इतना समझ लीजिए, वही फार्मूला मैं यहां पर बताने वाला हूं। फर्स्ट फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला, कल मैं कुछ फार्मूला बता चुका था, उसको भी अभी बता दूंगा, लेकिन आज का फार्मूला एक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, क्लियर। तो अब इस फार्मूले को, लेकिन अब आप लोग सोचेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ही क्यों होता है, इसका प्रूफ बताइए। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ भी बता देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वैसे इसका प्रूफ कहीं पर करने के लिए नहीं आता है, कोई नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं। कल ही मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ये पता है। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोगों को पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस का स्क्वायर बटे स्क्वायर है भाई, तो स्क्वायर अपान हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब यहां से अगर देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हम सब लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, अगर कल का लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख करके आइए, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं उसे, ठीक है। और एक चीज और,
अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कोई अदर आपकी बुक है, कोई आपकी बुक का कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप पर अगर क्वेश्चन को भेज देंगे तो मैं अगली क्लास में या इसी क्लास में मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा। ओके, चलिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, नीचे भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1, कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या आ गया, 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्लियर। अब यहां से हम लोग इसी एक फार्मूले से दो और फार्मूले बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को अपने स्थान पर रहने दीजिए, इक्वल टू 1 अपने स्थान पर ही रहने दीजिए, कास को इधर भेज दीजिए, माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और ये दूसरे में क्या करिए, कास स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दीजिए, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन को इधर भेज दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा, अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर हम तुरंत लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब सेकंड हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो वैसे ही आप लोग कर सकते हैं, टेन स्क्वायर टेन थीटा को क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपान बेस, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए और दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, या इधर का सॉल्व कीजिए इधर का आ जाएगा, आप लोग प्रूफ कर सकते हो। यहां से दो फॉर्मूले इसी से बन सकते हैं, 1 अपने स्थान पर रहने दीजिए इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, बस tan को इधर भेज दीजिए, माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर। दूसरा आप लोग ये भी कर सकते हो कि यहां पर tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 को इधर भेज दीजिए, माइनस 1, ये भी हमारा फार्मूला बन गया। थर्ड आइडेंटिटी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से भी हमारी दो आइडेंटिटी बन जाएगी, कैसे, 1 को यहां रहने दीजिए और ये कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। दूसरा यहां पर रहने दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 को इधर भेज दीजिए, माइनस 1, क्लियर। तो ये भी अगर कहीं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो उसके स्थान पर हम डायरेक्ट 1 रख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो हम tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है तो 1 रख देंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो cot स्क्वायर थीटा रख देंगे। मेन हमारा फार्मूला ये है, इसे आप लोगों को याद रखना है, अगर इसे आप लोग याद रखेंगे तो ये जो फार्मूले हैं ये अपने आप बन जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई। कल जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, कल कुछ फार्मूला बताया था, क्या बताया था, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये मैंने बताया था, और क्या बताया था, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा बताया था, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा बताया था, उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी होता है। ओके, और कुछ और फार्मूले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए कहीं पर साइन 2a आ गया, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये साइन 2a का फार्मूला है, साइन 2a का फार्मूला क्या है, 2 साइन a कॉस a, और ये अगर थीटा है तो हर जगह थीटा हो जाएगा, अगर थीटा आप करना चाहो a के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ थीटा है तो हर जगह थीटा हो जाएगा, अगर हर जगह b है तो हर जगह b हो जाएगा, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूले होते हैं, कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है इस ये काम मेरा है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि cos 2 थीटा के तीन जो फार्मूले हैं इसको कहां पर आप लोग अप्लाई करोगे,
ठीक है, ये हो गया। आगे आप लोगों को ऐसे ही टैन टू थीटा का भी फार्मूला लिख सकते हैं। टैन टू थीटा का फार्मूला होता है टू टैन थीटा अपान वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, ऐसे ही आप लोग साइन ए प्लस बी का भी फार्मूला लिख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी हमारा फार्मूला होता है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस हो गया साइन ए माइनस बी हो गया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अगर यहाँ पर साइन ए प्लस बी है या साइन ए माइनस बी है तब तो ये फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर कॉस आ गया, कॉस ए प्लस बी आ गया, तब इसका फार्मूला हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस आया, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो जाएगा। एक फार्मूला यहीं पर मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए टेन बी, ये हमारा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के। और भी कई सारे फार्मूले हैं, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक फार्मूले हैं। इतने फार्मूले को आप लोगों को याद करना है, इतनी मेहनत आप लोगों को करना है, क्लियर, और इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं आप ही लोगों के लिए। इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी सब लोग लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए आप लोग। मुझे मालूम है कि आप सब लोग लाइक करना चाहते हो, वीडियो सब लोग लाइक करते हो, लेकिन आप लोगों के ध्यान से उतर जाता है, आप लोगों को याद नहीं रहता। इसलिए मैं आप लोगों को याद दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो सब लोग, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन भी आप लोग दबा दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, मिटा दें, चलिए मिटा रहा हूँ। पिछली वीडियो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, सभी लोगों ने लाइक किया है, इस वीडियो को भी आप सब लोग लाइक कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, और आप सब लोग वीडियो को सबके पास, अपने फ्रेंड के पास, अपने दोस्तों के पास, चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हो सबके पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए आप लोग। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, आप लोग हमारा साथ देंगे तभी मैं आप लोगों को साथ, आप लोगों का साथ दे सकता हूँ। आप लोग लाइक करेंगे तो हमारा भी जोश बढ़ेगा, और जब जोश बढ़ेगा तो हम लोग आप लोगों को और भी मेहनत के साथ पढ़ाऊंगा, और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्रूफ दैट वन प्लस काट स्क्वायर ए और यहां पर साइन स्क्वायर ए इजकल टू वन, ये प्रूफ करना है, इतना इजकल टू वन। कैसे प्रूफ होगा, जल्दी से आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। वन प्लस काट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इजकल टू वन, पॉज कर लीजिए, पॉज करके तब फिर आप लोग ट्राई कर लीजिए। चलिए मैं कर रहा हूं, देखिए आप लोग यहां पर अभी अभी मैंने बताया था वन प्लस काट स्क्वायर ए, वन प्लस काट स्क्वायर ए, देखिए कितना सिंपल तरीके से ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद है, अगर फार्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री लगाना बहुत आसान है, चुटकियों का खेल है सॉल्व करना। देखिए अभी अभी मैंने बताया था वन प्लस काट स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, क्लियर। वन प्लस काट स्क्वायर ए के स्थान पर, वन प्लस काट स्क्वायर ए के स्थान पर क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ओके, नो प्रॉब्लम,
कॉसेक स्क्वायर, पता नहीं क्या ऐसी चीज है कि टेक्नोमेट्री में बच्चों को समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है सबसे आसान है टेक्नोमेट्री, सबसे आसान है टेक्नोमेट्री। देखिए कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक ए के स्थान क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए के स्थान पर वन अपान साइन ए लिख सकते हो, तो कॉसेक ए के स्थान पर वन अपान साइन ए लिख दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, इंटू साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, वन आ गया। कितना सिंपल है, अगर आपको आता है ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सिंपल तरीके से लग जाएगी, और अगर नहीं आता तो बस उसी को देखते रहो कि वन प्लस काट स्क्वायर क्या होता है पता ही नहीं है, तो फिर देखते रहो उसे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समय सबका सब निकल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और सारे फार्मूले याद कर लीजिए। ओके, आगे वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, और ये मत सोचिए कि इतने सिंपल क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, अभी आगे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं जिसको आप लोगों को लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू वन, ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करना है। जल्दी से ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए खुद से, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको वन के इक्वल प्रूफ करना है, जल्दी कीजिए। कैसे होगा, हमने अभी अभी फार्मूला बताया, चलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग देख लीजिए। ओके, देखिए हमने बताया था वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए। ओके, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए, अगर थीटा है, अगर थीटा करना चाहते हो थीटा कर दीजिए, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इस वन को उधर भेज दें, अगर इस वन को उधर भेज देंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के स्थान क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के स्थान पर हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ओके, कितना सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए बस। और मैंने ये भी बताया था वन प्लस काट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पर प्लस वन है, प्लस वन को उधर भेज दीजिए, इस प्लस वन को इधर भेजेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के स्थान क्या लिख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के स्थान पर लिख दीजिए काट स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर ऐसे ही लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा के स्थान क्या लिख सकते हैं, वन अपान टेन थीटा, वन अपान टेन थीटा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि कॉट थीटा की ये का ये फार्मूला रखें या ये फार्मूला रखें, अरे मेरे बेटा देखो कि कॉट थीटा इजकल टू वन अपान अगर टेन थीटा रखोगे और स्क्वायर है स्क्वायर लगा दोगे, टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला रखोगे तो कॉस बटे साइन आ जाएगा, और कॉस बटे साइन आ, तो इसको भी हमें ये वाला फार्मूला रखना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला रखना चाहते हो तो tan थीटा का भी फार्मूला रखो और cot थीटा का भी फार्मूला रखो, दोनों का फार्मूला रखोगे तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे जो रखोगे आ जाएगा। यहां tan स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 1, और 1 ही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट। क्लियर, तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वैसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं रिमूव कर रहा हूं, चलिए मैं रिमूव कर दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन लगवाना पड़ रहा है क्योंकि अब आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए cos थीटा अपान 1 माइनस sin थीटा इजकल टू 1 प्लस sin थीटा अपान cos थीटा, ये क्वेश्चन है। इतना इजकल टू इतना प्रूफ करना है, यहां पर प्रूफ दैट, जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए एक बार बेटा, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि ये जीवन जो है खेल है, जीवन एक खेल है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप खेल बनना चाहते हैं या फिर खिलाड़ी बनना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। और आप लोग यहां पर अगर पढ़ रहे हो तो मुझे मालूम है कि आप खेल नहीं बनना चाहते हैं, आप लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं, और आप 100% बन करके रहेंगे। बस मेहनत करते रहिए, आप हमारे साथ लगे रहिए बस। चलिए, यहां पर cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए, चलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो पॉज करके तब ट्राई कीजिए।
कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, ये है हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो जब इस तरीके से दिया हुआ है वन माइनस साइन थीटा है या वन प्लस साइन थीटा है, अगर यहां पर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता, अगर साइन स्क्वायर थीटा होता तो हम फार्मूला रख देते वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पर देखिए कि कॉस थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा है या वन प्लस साइन थीटा है या वन माइनस कॉस थीटा है या वन प्लस कॉस थीटा है, अगर इस टाइप का है तो हम कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कंजुगेट मतलब संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। संयुग्मी का क्या मतलब होता है, आप लोग देखिए वन माइनस साइन थीटा है तो वन प्लस साइन थीटा से ऊपर भी और वन प्लस साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऊपर माइनस से नीचे प्लस से, ये आपको नहीं करना। आप लोग जरा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि किस जिस चीज से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ऊपर किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। अगर ऐसे देखो सेम चीज से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कट जाएगा, हमारा क्वेश्चन यही ओरिजिनल बना हुआ है। ओके, काटना नहीं है। यहां पर देखिए कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, ये इतना आ गया। बटे में देखिए, बटे में आप लोग जानते हो वन ए माइनस बी ए प्लस बी, आप लोग ये फार्मूला सब लोग जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होता है, इसी में दोनों का स्क्वायर लग जाता है। तो यहां पर a माइनस बी ए के स्थान पर 1 है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। अगर यहां पर साइन को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर है कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा अपान वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तब ये बन जाएगा वन प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्लियर, बस यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ दैट। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, मुझे लग रहा है कहीं पर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा पीछे करके आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिया हुआ है आप लोग नहीं लगा पा रहे हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के उस नंबर पर क्वेश्चन को भेज दीजिए। मेरे व्हाट्सएप पर अगर आप लोग क्वेश्चन को भेज देंगे तो मैं 100% उस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो सब लोग क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन ना आ रहा हो मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग भेजिए। ओके, नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलिए रिमूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी जबरदस्त क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है भाई, एक साथ तो नहीं के डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं, क्योंकि उस लेवल पर पहले आप लोगों को लेकर के आना है। फोर्थ क्वेश्चन, कमाल तो आप तब करके दिखाएंगे जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा। अगर बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप कैसे कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए पहले बेस मजबूत करना पड़ता है, मकान को बड़ा करने के लिए, मकान बनाने के लिए पहले नींव को मजबूत करना पड़ता है। तो आप लोग अपनी नींव मजबूत कीजिए। कॉस स्क्वायर ए प्लस वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू वन, ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ओके, तो इसको प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, इसको प्रूफ करिए, जल्दी से आप लोग प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ किया जाए इसमें, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, बताइए। बहुत ही सिंपल, देखिए कॉस स्क्वायर ए को वैसे का वैसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन अपान, अभी अभी मैंने बताया था ये फार्मूला, चलिए फिर से मैं लिख देता हूं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, यही तो होता है। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के स्थान क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए।
ओके भाई, हम ये इतना सॉल्व कर रहे हैं, वन तो हमें प्रूफ करना है। वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के स्थान क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए, यहां पर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस वन अपान कॉस ए, वन अपान कॉस ए क्या हो जाएगा, अगर हम साइन को इधर भेज दें, अगर हम यहीं से बनाएं इसे, साइन ए को इधर भेज देंगे तो कॉस ए नीचे चला जाएगा, तो यहां से बन जाएगा साइन थीटा अपान वन इक्वल टू वन अपान कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू वन अपान कॉसेक थीटा, मतलब सिंपल सा है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, तो यहां कॉसेक थीटा वन अपान कॉसेक थीटा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर साइन ए आ जाएगा, थीटा नहीं आएगा भाई, ए है तो ए आएगा, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आज जो बताया था, सबसे पहले बताया था वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है वन, बस यही तो हमें प्रूफ करना था, वन ही तो हमें लाना था, कितने सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया, नोट कीजिए जल्दी से, रिमूव करें, नोट कर लिए होगे, रिमूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अब आप लोगों को जबरदस्त तरीके से लगाना है। फाइव नंबर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसी को प्रूफ करना है, इसी को प्रूफ दैट करना है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी से कीजिए प्रूफ कीजिए भाई कैसे होगा, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए भाई, देखता हूं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, जल्दी से कीजिए, हो गया या नहीं हुआ कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए मैं ट्राई कर रहा हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है टेन स्क्वायर थीटा इंटू, जहां पर माइनस है वहां पर क्या लाना है इंटू लाना है, ओके। टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो बेसिक फार्मूला है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो हर जगह स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे में कुछ नहीं है तो बटे में क्या लिख सकते हैं वन। अब अगर देखो ध्यान से तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, और जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपान वन, भाई साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया तो वन बचा, बटे में वन है ही, ये बचेगा, और यहां से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या कुछ मत कीजिए, यहां से देखिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, वन अपान कॉस थीटा, यहां पर देखिए इसको देखिए, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, यहां है कॉस थीटा वन अपान कॉस थीटा, यहां पर यही साफ साफ डायरेक्ट दिया हुआ है, वन अपान कॉस थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो वन अपान कॉस थीटा के स्थान पर लिख दीजिए सेक थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस वन है तो वन लिख दीजिए, ओके वन अपान वन वन ही तो होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, आप लोग जानते हो यहां पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, देखा कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, बस आप लोगों को सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, मैंने किया क्या टेन थीटा के स्थान पर साइन बटे कॉस कर दिया, उसके बाद दोनों में साइन था साइन मैंने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, वन अपान कॉस आया वन अपान कॉस को हमने कर दिया, वन अपान कॉस को हम जानते हैं सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा कर दिया माइनस वन कर दिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के स्थान पर टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बस हमारे जो प्रूफ करना था वही आ गया, कितने सिंपल है, पता नहीं कि उन लोगों को टेक्नोमेट्री समझ में नहीं आती, बच्चे आते हैं कहते हैं सर और तो सब समझ में आ गया बस टेक्नोमेट्री समझ में नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या है इसमें जो समझ में नहीं आया, बस ये इतना है कि आप लोग अगर पूरे फोकस और पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख रहे हो तो हाँ ये सच है कि टेक्नोमेट्री आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी और समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो, ये ना हो कि खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए खाना भी खा रहे हो, लोगों से बात भी कर रहे हो, दोस्तों से बात भी कर रहे हो और जो है वीडियो भी देख रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा भाई,
क्या गेम खेलते हो तो यही करते हो, ये खाना भी खा रहे हो और गेम भी खेल रहे हो, तब तो नहीं खेलते हो, तब तो जो है खाना नहीं खाते हो, खाना जो है खाने के बाद ही गेम खेलते हो या खाना खाने के पहले ही गेम खेलते हो, और बहुत एकांत में बैठ करके खेलते हो ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वैसे ही पढ़ाई भी है, पढ़ाई भी इतनी आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर बिना मेहनत के ही सफलता मिल रही होती सबके सब सफल हो जाते, लेकिन सफल कितने लोग होते हैं इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ 1% लोग, 1% भी नहीं, 0.001% लोग सफल होते हैं। अब आप लोगों को सोचना है कि आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे सफलता पाने के लिए। नोट कीजिए आप लोग, चलिए रिमूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, इसको आप ही लोग ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ 3 sin A, और इसको किसी से भी लगवाइए, किसी से भी आप जाकर के लगवा सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी से, और आप लोग खुद से भी ट्राई कर लेते हैं। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए, हम इसमें टाइम भी देंगे आप लोगों को। 5 cos A = 5, देखता हूं आप लोग कितना पढ़ रहे हो, 3 sin A + 5 cos A = 5। वैसे आप लोग तो अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, अगर कोई पॉलिटेक्निक का है जो देख रहा है या इंटरमीडिएट का है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos A -5 sin A, इसका मान बताना है, और ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4, ये आपके ऑप्शन है दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूं, 3 sin A + 5 cos A = 5, देन फाइंड 3 cos A - 5 sin A, जल्दी से कीजिए आप लोग भाई, ट्राई कीजिए, इतना = 5 दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, जल्दी से कीजिए। ऑप्शन आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, आंसर कीजिए, कमेंट करके बताइए, देखता हूं कितने लोगों का आंसर सही आता है। ओके, पॉज कर लीजिए आप लोग, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मैं चल रहा हूं यहां पर सॉल्व करने, क्योंकि नहीं तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए, 3 sin A + 5 cos A = 5 है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ओके, और 3 cos A - 5 sin A का मान हमें निकालना है, तो इसका मान मान लीजिए कि इसका मान x है, मान लीजिए कि इसका मान क्या है, x है, और उसके बाद समीकरण 1 का भी स्क्वायर कीजिए, समीकरण 2 का भी स्क्वायर कीजिए, और दोनों को स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए, बस दोनों को ऐड कर दीजिए। कैसे होगा समीकरण 1 का स्क्वायर, समीकरण 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 sin A + 5 cos A का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस सेकंड का, सेकंड क्या है, 3 cos A - 5 sin A इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। ओके, 3 sin A + 5 cos A का स्क्वायर प्लस यहां पर 3 cos A - 5 sin² A, 5 sin A का होल स्क्वायर कर दिया गया। भाई दोनों तरफ का करेंगे ना, हमने LHS साइड ये साइड इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, इक्वल टू के आगे इसका 5 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस इसमें क्या है x, तो x का स्क्वायर कर दीजिए। इतने में मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और सब लोग इतना जानते हो कि A + B के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आप लोग बताइए भाई, अगर कोई नहीं, किसी को नहीं पता तो अब क्या बताएं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते भाई। A² + B² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मुझे मालूम है कि जितने भी लोग देख रहे हो सबको A + B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी क्लास में वही बच्चे आते हैं जिनको कुछ ना कुछ आता है, पता लगे ऐसा कोई बच्चा आता ही नहीं है मेरी क्लास में जिसको कुछ आता ही ना हो।
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर थ्री साइन ए का स्क्वायर, थ्री साइन ए का स्क्वायर, थ्री साइन ए का स्क्वायर करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन साइन स्क्वायर ए प्लस फाइव कॉस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पच्चीस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू, प्लस टू ठीक है टू ए बी, तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू साइन ए कॉस ए, ओके भाई टू ए बी होता है तो टू हो गया, ए के स्थान पर थ्री इंटू फाइव इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर थ्री थ्री जन नाइन कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस टू ए बी, तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू के आगे क्या हो जाएगा पच्चीस, पांच का स्क्वायर पच्चीस प्लस एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अब अगर यहां पर से ध्यान से देखो तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए एक तो आप लोगों का प्लस का है एक माइनस का, सेम टू सेम दिया हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का, टू थ्री फाइव टू थ्री फाइव साइन ए का से साइन ए का से, ओके बचा ये टर्म और ये टर्म, नाइन वाला टर्म, नाइन वाले टर्म में नाइन कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ओके ये आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 25 वाला टर्म, एक ये है एक ये है, इसमें से 25 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, और कुछ नहीं बचा इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और हम सब लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1, तो इधर क्या आया 9 प्लस 25 इजकल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 25 कैंसिल आउट 9 इजकल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो यहां आ जाएगा अंडर रूट 9 और यहां एक्स, तो एक्स इजकल टू 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, यही हमारा आंसर आ गया 3, क्लियर एक्स इजकल टू 3 हमारा आंसर आ गया, नो प्रॉब्लम ठीक है। आप लोग नोट, आप लोग सोच रहे हो कि पॉलिटेक्निक में इतना लंबा क्वेश्चन आता है, नहीं बेटा बस इसको ये इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना लंबा लग रहा है क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से मैं इतना करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको करके दिखा सकता था लेकिन आप लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैंने इतना लंबा किया है, ओके जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन नोट कर लिया, रिमूव कर दें, चलिए रिमूव कर रहा हूं, अपने गजोधर भैया भी देख रहे हैं भाई, गजोधर जी लाइव आ गए हैं, गजोधर भी, आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबू लाल कौन है, कल मैंने नहीं बताया था, परेशान ना हो आज बताएंगे कि ये बाबू लाल कौन है आज, लेकिन गजोधर भी आए हुए हैं, चलिए भाई गजोधर को मत जानिए, पहले क्वेश्चन जान लीजिए फिर गजोधर के बारे में और बाबू लाल के बारे में जानिएगा आप लोग, ठीक है चलिए हम लोग सिक्स क्वेश्चन लगा चुके हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन और लगवाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो क्वेश्चन और लगवाएंगे, एक सेवन और एक एट, दोनों ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इफ sec स्क्वायर थीटा इजकल टू टू प्लस टू टेन थीटा देन फाइंड टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, आंसर मैं आप लोगों को बता दूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी, आप लोगों का यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस टू, ये है टू माइनस रूट टू, टू रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन और रूट टू प्लस टू, ये है इफ sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू प्लस टू टेन थीटा देन फाइंड tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू अगर इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो tan थीटा की वैल्यू निकालना है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, देखता हूं कि कौन यूपीएससी क्रैक कर रहा है, जल्दी से ट्राई कीजिए आप लोग, नोट कीजिए, देखता हूं भाई
जल्दी कीजिए। पॉज करके तब आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके चलिए मैं बता रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन लिख लेता हूं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 + 2 tan थीटा। सेक स्क्वायर अभी अभी मैंने बताया है 1 + tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा ओके इक्वल टू 2 + 2 tan थीटा। नो प्रॉब्लम, यहां पर कर दीजिए 10² थीटा और इसको इधर कर दीजिए 2 tan थीटा ओके और यहां पर इधर 2 लाएंगे तो हम -2 हो जाएगा, -2 + 1 क्या आ जाएगा -1 = 0। अगर यहां पर देखिए तो ये 10θ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गया? 10θ में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे हम लोगों को बनता है x² माइनस, मतलब इस तरीके की इक्वेशन बन गई, ax² + bx + c = 0। ये इस तरीके से द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके अगर इस तरीके से होता है और हम सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए? श्रीधाराचार्य। तो हम किसका फार्मूला लगाते हैं? श्रीधाराचार्य। और श्रीधाराचार्य का फार्मूला क्या होता है? -b + √b² - 4ac / 2a। यही तो होता है, बस यही फार्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आता है, माइनस यहां से यक्स, यक्स नहीं आएगा, यहां यक्स के स्थान क्या है? टैन थीटा। तो यहां से आ जाएगा टैन थीटा इक्वल टू -b, बी के स्थान पर है -2 + -√b² मतलब -2² - 4। ए की वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1 है, इंटू सी, सी की वैल्यू है -1 / 2, ए की वैल्यू है 1। तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू -2 + -√ -2² 4 और यहाँ --+4 / 2। ओके अब इसको करेंगे तो 2 + √4 + 8/2। यहाँ से 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 + -√2, इतना लिख सकते हैं, / 2। तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + √2, ये इतना आ जाएगा / 2। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 + √2। ओके तो 1 + √2 कहाँ है भाई? 1 + √2 और 1 - √2। तो अगर देखिए तो यही एक ऑप्शन है, यहाँ तो √2 - 1 हो जा रहा है, √2 - 1 नहीं आ रहा है, 1 - √2 आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ यही बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? जल्दी से आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए रिमूव कर रहा हूँ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों को और देखना है, वो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और वो लास्ट क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आप लोग और देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन एनडीए में आता है। देखिए लेकिन आप लोगों को मैथमेटिक्स फार्मूले सबके सब आने चाहिए, अगर आप लोगों को फार्मूला आता है तो एनडीए वगैरह क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आपको। इफ sin θ + cos θ इजकल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ φ = 4sin θ × cos θ। इतना इजकल टू इतना गिवन है, हमें 4sin θ cos θ की वैल्यू निकालना है और हमारा ऑप्शन है √2, सेकेंड ऑप्शन है -√2, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है -1। अब आप लोग जल्दी से इसे बताइए, sin θ + cos θ = 1/√2, तो 4sin θ cos θ का मान निकालना है। जल्दी से आप लोग निकालिए और कमेंट कीजिए, मुझे मालूम है कि आप लोग लगा लोगे, सब लोग लगा लोगे इस क्वेश्चन को क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एनडीए में कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दी सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए आप लोग। कैसे होगा, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कमेंट करिए। चलिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे,
मैं सॉल्व करता हूं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। ओके, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, बस सिंपल सा दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए, इधर का भी होल स्क्वायर और इधर का भी होल स्क्वायर। क्लियर, दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए, तब ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए 1/2 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, यहां से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू इस 1 को इधर भेज दीजिए तो 1/2 माइनस 1। ओके, या माइनस 1/1 कर दीजिए, 1/1 भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू हाफ में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, अगर करना चाहो तो इसको कर लो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 1/2, ये आ जाएगा 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कर दीजिए, और जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू माइनस 1। आप लोग ध्यान से देखिए हमें किस चीज का मान निकालना था, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का ही तो मान निकालना था, कितना आ गया माइनस 1 आ गया, मतलब हमारा डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसे नोट कर लीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आप लोग दोस्तों को पास शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि वो पूरा का पूरा पढ़ें इसका, अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो उसका फ़ायदा उठाएं। आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें, व्यक्ति वही अच्छा होता है जो अपने साथ साथ सबको आगे लेकर के चलता है। क्लियर, तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।